मसीह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको वीडियो मिले आपकी यूट्यूब की होम स्क्रीन पर। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। जो सच्चाई आप वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, ये सच्चाई द पेंटिकॉस्ट मिशन के संतों के द्वारा दी गई है। सुबह का मन्ना 3 जुलाई 2021। समर्पण ना करें। जब हम अपने मसीही जीवन को आरंभ करते हैं तो हम जैन जीवन शांति से भरपूर और समस्या रहित होकर दिखाई देता होगा, परंतु जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम कई परीक्षाओं का सामना करते हैं और हम उनका विरोध करते हुए पाए जाते हैं। यदि कोई कुछ युद्धों में हार जाता है तो समर्पण करने के लिए सोचने लग जाता है। शारीरिक पाप में विचार मन में आने लग जाते हैं और शैतान हावी हो जाता है। ऐसे लोग एक अभागा जीवन बिताते हैं और दूसरों को भी अभागा बना देते हैं। शैतान एक चोर है। उसकी योजना चोरी करने, घात करने और नष्ट करने की है। यूहन्ना 10:10। वह मनुष्यों की शांति आनंद को चुराना चाहता है। वह उसके शरीर को घात करना और उसके जीवन को और उसके आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में जो योजना बनाई थी उससे मनुष्य को वह वंचित करना चाहता था। संत पौलुस के बारे में शैतान की एक योजना थी, वह उसे नष्ट करने की थी। उसे योजना के अनुसार वह मसीही लोगों को नाश करने के लिए दमिश्क को जा रहा था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसे मार्ग में ही बंदी बना लिया और अपनी योजना उस पर प्रकट की। उसके बाद पौलुस ने कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती थी खंडन किया और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनने को आरंभ किया। दूसरा कुरिन्थियों 10:5। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस के बारे में परमेश्वर की महिमा में योजना ही प्रबल हुई। प्रिय पाठक, जब हम शमसोन, राजा शाऊल और परमेश्वर के चुने हुए कुछ और महान पुरुषों के जीवन पर ध्यान करते हैं तो हम देख सकते हैं शैतान ने किस प्रकार उनके जीवन और सेवकाई को नष्ट किया। इसलिए हम सावधान रहें कि हम शैतान की योजना के लिए समर्पण न करें। लड़ें, हिया और शक्ति से लड़ें, लड़ें, लड़ें। आप कभी नहीं हारेंगे। नीचे शत्रु भयभीत होकर भागेगा, उसकी शांति से तुम नीचे जयवंत होंगे। सुबह का मन्ना। गॉड ब्लेस यू।